वेलकम टू लक्की सर चैनल, दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे बात करूंगी एमपी जीके की, जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10 में आपको इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस ये हमारे रहेंगे। चाहे आप एमपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये हर उस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर आपको लगता है कि एमपी जीके आएगी। तो वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कवि बैरागी या सुमित्रा नंदन पंत? तो बताइए आपको क्या लगता है राइट ऑप्शन, कि इसमें से आपको कौन सा राइट ऑप्शन लगता है कि जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ये कवि कवित्री हैं। तो एक बार हम बात कर लेते हैं, लक्की सर के जो है अन अकेडमी पे वो पढ़ा रहे हैं, आप सबको पता है। तो 9 AM तो ये उनका टाइमिंग रहता है, तो अन अकेडमी पर ज़रूर उनको फॉलो कीजिए और उनकी जो है क्लासेस को ज़रूर देखिए। तो गाइज, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी, ये कवित्री हैं। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं हैं। बाल कृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और बाल कवि बैरागी, ये सभी के सभी क्या हैं? मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। यस, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम स्थित है छतरपुर में, भोपाल में, इंदौर में या रायसेन में? क्या लगता है आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट? तो बताइए आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन लगता है मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम। तो गाइस, जो राइट ऑप्शन है वो है छतरपुर में। छतरपुर में जो है पहला शिल्प ग्राम है मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर फटाफट। राजा भोज का संबंध किस वंश से है? गुर्जर, परमार, होलकर या तोमर? बताइए चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा करेक्ट लगता है कि राजा भोज का संबंध किस वंश से है। तो राइट ऑप्शन है इसमें हमारा परमार। जो राजा भोज हैं उनका जो संबंध है वो परमार वंश से है। साथ साथ आप याद भी करते जाइए, बार बार वीडियो को आप क्या देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में भी तो टाइम लगता है ना। चंदेरी युद्ध 1528 में मेदिनी राय को हराया था, ये चंदेरी युद्ध हुआ था। काफ़ी पॉपुलर युद्ध है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो हिस्ट्री तो हमने भाई हमारी तो बहुत ही फेवरेट रही है। तो चंदेरी युद्ध 1528 में मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय थे, उनको किसने हराया था? हुमायूं ने हराया था, शाहजहां ने हराया था, बाबर ने हराया था या अकबर ने हराया था? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन। तो गाइज, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बाबर। बाबर ने जो है मेदिनी राय को हराया था 1528 में। आगे बढ़ते हैं। महू, इंदौर, छावनी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? सादत खान ने, तात्या टोपे ने, काफ़ी पॉपुलर ये पर्सनैलिटी रही हैं, दादा भाई अम्बेडकर ने या मल्हार राव होलकर ने? बताइए चार ऑप्शन में से। 1857 की क्रांति में तो तात्या टोपे का तो बहुत ही नाम सुना है हमने। तो बताइए राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है। तो गाइज, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सादत खां जो हैं, ये महू, इंदौर, छावनी के विद्रोह का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। लक्की सर के जो अन अकेडमी पे वो पढ़ा रहे हैं, उनकी जो मैं टाइमिंग आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ, 9 AM 6 PM, ठीक है? तो ये आप जो है दो तो याद ही रखेंगे जो टाइमिंग्स है, बाकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मेरे चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिए, स्टडी विद नेहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इंदौर में, भाभरा अलीराजपुर में, त्रिपुरी जबलपुर में या डबरा ग्वालियर में? बताइए करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है। तो जो राइट ऑप्शन है वो है त्रिपुरी जबलपुर में, ठीक है? याद रखिएगा 1939 में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी जबलपुर में। मैं आपको बता दूं कि इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं या बन गए हैं कह सकते हैं, कि कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, वो आपको जो है आज राइट ऑप्शन पता लग गया है। होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
लाइक का बटन तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और लक्की सर के चैनल को भी अच्छे से फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अन अकेडमी पर उनको ज़रूर फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है, भारत का जिब्राल्टर किसे कहा गया है? भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बांधवगढ़ दुर्ग को, ग्वालियर दुर्ग को, चंदेरी के दुर्ग को, या राजबाड़ा दुर्ग को? बताइए भारत का जिब्राल्टर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन आप सोचिए क्या होगा। तो राइट ऑप्शन है ग्वालियर दुर्ग, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये हमारी जनरल जीके में भी इसको कह सकते हैं, आ सकता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश की जीके ही आपको करनी है, अगर आप किसी भी प्रकार की जीके कर रहे हैं तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? मालवा में, बंगेलखंड में, बुंदेलखंड में, या सतपुड़ा क्षेत्र में? अब देखिए जहाँ कन्फ्यूज़न होती है, ये है बघेलखंड और ये है बुंदेलखंड, ध्यान से देखिएगा, बघेल और बुंदेल है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो हमें बताना है कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो बताइए राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है। तो राइट ऑप्शन है बुंदेलखंड में, देखिए मैं आपको कह रही थी ना कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये है बघेलखंड और ये है बुंदेलखंड, तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में। काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न रह जाती है और बच्चे जो है गलती कराते, तो सी ऑप्शन इसने बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप, तो ये क्योंकि ये सीरीज जो चलेगी 100 क्वेश्चन की चलेगी। ऊर्जा राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश जिला जाना जाता है, कौन सी जानी जाती है, कौन सी राजधानी है? मंडला, सिंगरौली, कटनी या बालाघाट? ऊर्जा राजधानी के रूप में बताइए करेक्ट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन इज सिंगरौली। सिंगरौली जो है ऊर्जा राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश जिला जो है जाना जाता है, सिंगरौली। ध्यान रखिए साथ साथ जो है पढ़ते जाइए, बार बार आप वीडियो को क्या देखेंगे। 10th क्वेश्चन, संस्कृत, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए फटाफट, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और वीडियो का हम एंड करने वाले हैं, तो जो अगले 10th क्वेश्चन होंगे वो मैं तो आपको बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में टाइम लग गया। संस्कृत विश्वविद्यालय बताइए फटाफट, राइट ऑप्शन इज उज्जैन में। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको इस चैनल की जितनी भी वीडियोज़ होंगी आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में लक्की सर को ज़रूर फॉलो कीजिए अन अकेडमी पर, उनकी टाइमिंग जो है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए स्टडी विद नेहा, वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ रिसेंटली, तो वो तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 जो हमारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तो कैसे लगे जरूर बताइएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।